यूपी के बरेली में मतगणना स्थल पर कूड़े की गाड़ी में भेजे गए बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक। बरेली नगरपालिका बहेड़ी की कूड़े की गाड़ी में रखकर आए बैलेट पेपर से भरे संदूक मतगणना स्थल पर मचा बवाल। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया जमकर हंगामा। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। कूड़े की गाड़ी में जो है बैलेट, सादे बैलेट पेपर जो है सब इसमें पाए गए, और जबकि इसमें सील भी नहीं थी और इसको आने का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया है तो इनको जो डीएम का जो स्ट्रॉन्ग रूम है कलेक्ट्रेट में, उसको वहाँ पर होना चाहिए था माल। लेकिन अब दोनों एसडीएम, दोनों आरओ जो हैं, चाहे वो एसडीएम बहेड़ी, एसडीएम आरओ और एसडीएम बहेड़ी और औला, ये लोग ये कह रहे हैं गलती हो गई हमारी, अब हम पूरी ये गाड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं, आपके सामने जितने भी बक्से हैं सब सील पैक करके वापस हम कलेक्ट्रेट में रखवा देते हैं। और तो मैंने कहा इसका फिर निचोड़ क्यों है कि आपने ही करा, तो मैंने कहा कि मैंने चुनाव आयोग से बात भी कर ली है, अब आपने हमसे बात करी बहुत लेट हो गए, चुनाव आयोग को मैंने बात भी कर ली है, उस पर खिलाफ आपके खिलाफ जो एक्शन भी होगा। और मैं भी चाहता हूँ कि जो जो यहाँ पर इसमें संदिग्ध हैं, जिसकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है, पारदर्शिता कहीं नहीं है, तो मैंने भी चुनाव आयोग से ये कहा है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।